हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सो क्लास सिक्स, लास्ट क्लास में दो टॉपिक जो डिस्कस किया था हमने, तीन टॉपिक एक्चुअली। फर्स्ट वन वाज ओबेसिटी, सेकंड वन वाज मेल न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन वाज बैलेंस्ड डाइट। तीन चीज़ें डिस्कस किया था, ओबेसिटी, मेल न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट। तो उसमें हमें पता चला that obesity is a condition of unhealthy fat person. If any person is fat but he or she that person is unhealthy, so we will call that person as obese. ठीक है, वो person क्या होगा, obese होगा। then malnutrition, obesity में क्या था, इंसान बहुत मोटा था। malnutrition में क्या है, इंसान पतला सा है, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। कोई एक या दो या तीन या कई सारे न्यूट्रिएंट उसके फूड में प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। सी, मेल न्यूट्रिशन कौन होता है, मोस्टली पॉवर्टी रिडन एरिया के जो लोग होते हैं, दे सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इतना समझ में आ गया सबको, फाइन। उसके बाद बाकी बैलेंस डाइट। Now obesity और malnutrition, इन दोनों सिचुएशन का जो मिडवे था, इन दोनों ही सिचुएशन का जो मिडवे था वो क्या था, हाँ राइट, बैलेंस डाइट इन दोनों ही सिचुएशन का क्या था, मिडवे था। ना ही मोटा ना ही पतला, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हमने क्या देखा कि अगर एक डाइट है बैलेंस डाइट, तो सपोज दिस इज अ डाइट थाली, ठीक है, फिर आई एम हैविंग सी दिस मच बाबा, सो इफ आई एम हैविंग राइस, ठीक है, ठीक है, राइस आई एम हैविंग, देन आई एम हैविंग अ बाउल फुल ऑफ पल्सेस, ठीक है। रुको भाई, साफ करने दो, क्लियर नहीं है। सबसे पहले आया राइस, एक रोटी भी रख लिया, यहाँ पे क्या आया, इसमें पल्स आया, मतलब दाल आ गई, यहाँ पे क्या आया, सब्जी आ गई, या यू कैन राइट वेजिटेबल ही लिख लेते हैं, ठीक है, वेजिटेबल आया, सैलेड रखा, कर्ड ले लिया, ठीक है, और वाटर। तो राइस, रोटी, सैलेड, कर्ड, पल्स, वेजिटेबल एंड वन सीजनल फ्रूट, ठीक है, वन सीजनल फ्रूट भी हमने ले लिया, फ्रूट कैन बी एनी बट एक फ्रूट ले लिया हमने। अभी ये क्या है, दिस इज अ बैलेंस डाइट बाय फ्रॉम द रोटी एंड राइस, फ्रॉम दिस ग्रुप वी आर गेटिंग कार्ब्स, ठीक है, सैलेड से व्हाट वी आर गेटिंग, रफेज एंड विटामिंस, विटामिन एंड रफेज, ठीक है, दाल से क्या मिल रहा है भाई, दाल एंड कर्ड से क्या मिल रहा है, यस, प्रोटीन हमें मिल रहा है। अभी कुछ बनाना नहीं है, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड, प्रोटीन मिल रहा है आपको, ठीक है, वेजिटेबल से क्या मिल रहा है, अगेन विटामिन एंड मिनरल एंड सम अमाउंट ऑफ रफेज एज वेल, ठीक है, कुछ अमाउंट की रफेज भी आपको मिल रही है। कर्ड इज व्हाट, मिल्क प्रोडक्ट है, वाटर, वाटर इज ऑल्सो देयर एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, वाटर इज व्हाट, एसेंशियल फॉर डाइजेशन,
दिस मच इज क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? बढ़िया। अभी क्या रह गया? सीजनल फ्रूट। तो सीजनल फ्रूट क्या है? इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मिनरल एंड विटामिंस अगेन एंड समटाइम रफेज। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल एज बैलेंस डाइट। नाउ इफ अ बॉय इज जस्ट ईटिंग रोटी एंड नमक, सो अ वेरी पुअर बॉय व्हाट ही गेट्स, ही गेट ओनली रोटी नमक इन हिज हाउस। नाउ व्हाट इज द रोटी एंड नमक? रोटी से कार्ब्स मिल रहा है, नमक से मिनरल मिल रहा है, व्हाट अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट? रह जा रही है, कमी रह जा रही है, वहां पे कंडीशन आती है मैल न्यूट्रिशन की। ठीक है, वहां पे कौन सी सिचुएशन आती है? मैल न्यूट्रिशन की। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ये तो बैलेंस डाइट है, ये समझ में आ गया सबको। आज का जो टॉपिक है हमारा, टुडेज टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ डेफिशिएंसी कब होगी? जब इनमें से कोई एक चीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे खाने से मिसिंग रहे, तो वी विल सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। वी विल टॉक अबाउट इट टुडे। ठीक है, या तो दिस वाज अबाउट द बैलेंस डाइट। अभी हमने यहां पे देखा कि ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हमारे यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रही है, ये सारी हमारी डाइट को क्या बनाती है? बैलेंस डाइट बनाती है। तो अगला टॉपिक क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब कोई एक न्यूट्रिएंट या ज्यादा न्यूट्रिएंट हमारे खाने से जब लंबे समय तक नहीं रहते, तो फिर हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करती, एंड देन वी सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। फाइन, चलो लिखते हैं। अब फर्स्ट टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीज। मैम इज गोइंग टू इरेज। ये वैसे भी आपको ना लिखना था ना ड्रॉ करना था। नाउ द टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दीज आर द डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द डाइट। दीज आर व्हाट? दीज आर द diseases, these are the diseases caused due to the lack of required nutrient for a long period of time. Lack of required nutrient for a long period. Let us understand this. So these are what? These are the diseases. ये वो diseases हैं. These are caused due to the lack of required nutrient. Suppose हमारे शरीर में जो required nutrients हैं, उनकी कमी से होती है. For a long period of time. मतलब अगर long period of time तक हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती रही, तो व्हाट विल हैपन? इट विल लीड टू अ सिचुएशन कॉल्ड द डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीज आर वेरी कॉमन इन नेचर, यू मस्ट हैव हर्ड देम।
नाउ सो आई एम गोइंग टू जॉट इट डाउन. सो देयर आर थ्री, बेसिकली दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. दीज डेफिशिएंसी डिजीजेस दे आर कैटेगराइज्ड अंडर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज. प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज व्हाट? विटामिन डेफिशिएंसी. And the third one is what? Mineral deficiency. Mineral deficiency. ठीक है? देखो, deficiency diseases are what? These are the diseases caused due to the lack of required nutrient for a long period of time. जब लंबे समय तक हमारे शरीर में कोई न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो हमें डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाती है. ठीक है? नाउ दीज आर, फर्स्ट इज प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन, सेकेंड इज वाइटामिन डेफिशियंसी एंड द थर्ड वन इज मिनरल डेफिशियंसी. दीज थ्री टाइप ऑफ डिफिशियंसी, दीज थ्री टाइप ऑफ डेफिशियंसी विल लीड टू द वेरियस डिजीजेस. वी विल रीड अबाउट देम. अब जैसे विटामिन डेफिशिएंसी से व्हाट विल हैपन? या स्कर्वी, बेरी बेरी एंड नाइट ब्लाइंडनेस, राइट? मिनरल डेफिशिएंसी से गोइटर, इट्स अ कॉमन नेम. फाइन, सो राइट इट डाउन, देन वी विल मूव अहेड. राइट इट डाउन. Completed? Okay. So I'm going to erase the board now. Now, here I'm going to jot down the few points that you have to consider while mentioning about deficiency disease. So, the very first point is deficiency disease are caused by lack of certain nutrient, lack of certain nutrient. ठीक है? Now the next point is, next is what? These diseases can be treated by a properly balanced diet. These diseases can
कैन बी क्योर्ड बाय दीज डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय अप्रॉपर बैलेंस डाइट. क्या मतलब? नाउ द थर्ड इज इफ इफ द बॉडी इज डेफिशिएंट if the body is deficient of vitamin, we get vitamin deficiency diseases. Diseases. Okay. If mineral are deficient, then we get mineral deficiency diseases. If mineral are deficient, if minerals are deficient, then we get mineral deficiency disease. Point one by one. First of all, deficiency disease are caused by lack of certain nutrient. किसी एक nutrient के हमारे शरीर में कमी होने से we suffer from deficiency disease. These diseases can be cured by proper balanced diet. So if we take proper balanced diet, these deficiencies, these diseases can be cured. ठीक है? Next. If the body is deficient of vitamins, then we will get vitamin deficiency diseases. अगर शरीर में vitamins की कमी है तो हमें vitamin deficiency diseases होंगी. And if our minerals are deficient, then we will get mineral deficiency diseases. Fine, so right now write it down all this point, then we will move ahead. Completed? Fine. Now moving ahead. Chalo, I'm going to erase the board. Okay. Now. The next topic is, see, I'm going to make a chart here on the board. ठीक है, I'm going to make a chart here on the board. This side I will write the name of the vitamins. This side the name of the diseases, and this side the symptoms. Thank you.
फॉरगेटिंग द विटामिन्स एंड मिनरल्स नेम. अदर साइड आई एम गोइंग टू राइट द डेफिशिएंसी डिजीजेस नेम एंड दिस साइड आई एम राइटिंग द सिम्टम्स. कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट इज विटामिन ए. नाउ विटामिन ए की बात की जाए तो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है. नाइट ब्लाइंडनेस एंड सिम्टम क्या है, पुअर विजन, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. ठीक है. क्या बात हुई, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन. विटामिन ए, इसकी कमी से क्या हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस, एंड दिस विल लीड टू अ कंडीशन ऑफ पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. मतलब या तो नजर, आंखों की जो रोशनी है, जो विजन है, देखने की क्षमता वो कमजोर होगी, या तो अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे. ठीक है, पुअर विजन. तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस. नाम से ही देखो क्लियर है, नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है ना. विटामिन ए की कमी से क्या हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस हुआ, इसे पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस. डार्कनेस में, अंधेरे में बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आया. ठीक है. नेक्स्ट इज विटामिन बी वन. The disease name is beriberi and the symptom is weight loss and weak muscles. Weight loss or weak muscles. Vitamin B1 will lead to beriberi. Beriberi is a situation where a person loses his or her weight and suffers from weakness in muscles. Weak muscles. Muscles जो होती हैं वो क्या हो जाती है, वीक होने लगती हैं. साथ में क्या होता है, वीकनेस. शरीर में पूरे टाइम क्या लगेगा, बॉडी में पूरे टाइम आपने क्या लगेगा कि वीकनेस हो रही है. तो ये किस डिजीज की, ये किस विटामिन के सिम्टम्स आ रहे हैं, विटामिन B1 के. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज विटामिन सी. तो विटामिन सी इज लीड टू स्कर्वी. The symptom is bleeding gum. ठीक है. क्या होता है विटामिन सी से, स्कर्वी. द नेम ऑफ डिजीज दैट वी गेट फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी इज स्कर्वी. एंड व्हाट डू वी सफर, वी सफर फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स. कौन सी बीमारी से हम सफर करते हैं, वी सफर फ्रॉम ब्लीडिंग गम्स. ठीक है, गॉट इट. सो दिस वाज अबाउट विटामिन ए, देन विटामिन B1 एंड देन सी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट विटामिन सी, आई मीन डी.
नाउ नेक्स्ट इज विटामिन डी. नाउ ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी व्हाट हैपन रिकेट्स. रिकेट्स सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स. Soft, tender, and weak bones. क्या हुआ? विटामिन डी की कमी से क्या हुआ? रिकेट. रिकेट, रिकेट से क्या? रिकेट कौन सी बीमारी, किसकी बीमारी है? रिकेट इज अ डिजीज ऑफ बोन्स. तो फिर क्या हुआ भाई? सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स हुए. रिकेट से क्या हुआ? सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स. सबसे पहले क्या था? विटामिन ए. इसकी कमी से क्या हुई? नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की कमी से क्या हुई? नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स क्या? अभी क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस पे? अंधेरे में देखने में तकलीफ होती है. जैसे अगर ये रूम डार्क कर दे तो उन लोगों को नहीं दिखता. नॉर्मली व्हाट हैपन, हमें अंधेरे में चीजें ऐसा नहीं है कि दिखती हैं, बट व्हाट हैपन, वी कैन, अगर हल्की अंधेरा है तो वी कैन फील द ऑब्जेक्ट एंड वी कैन सी देम. ठीक है, लेकिन उनको कम रोशनी में दिखाई नहीं देता. नेक्स्ट इज व्हाट? विटामिन बी वन. कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी. नेक्स्ट, बेरी बेरी का सिम्टम क्या है? वेट लॉस और वीकनेस इन मसल. वजन कम होगा, ठीक है, और मसल्स में क्या आएंगी? वीकनेसेस आएंगी. ठीक है, विटामिन सी स्कर्वी. ब्लीडिंग गम्स होती हैं. ठीक है, स्कर्वी से क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स. विटामिन डी रिकेट, सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स. उससे क्या होता है? रिकेट से क्या होता है? सॉफ्ट टेंडर और बोन्स क्या होती जाती हैं? कमजोर होती जाती हैं. स्कर्वी में क्या था? ब्लीडिंग गम्स. मसूड़ों से, मुंह के मसूड़ों से क्या होते हैं? खून निकलते हैं. तो जब गम्स ही कमजोर हो जाएंगे तो टीथ स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना. जब गम्स कमजोर हो जाएंगे, जब आपके मसूड़े कमजोर हो जाएंगे तो टीथ आपके स्ट्रांग नहीं रहेंगे. ठीक है, तो विटामिन सी से की कमी से होती है स्कर्वी, एंड स्कर्वी विल लीड टू द कंडीशन ऑफ ब्लीडिंग गम्स. गॉट इट. नेक्स्ट इज विटामिन डी. अभी भाई इसकी कमी से क्या हो रहा है? रिकेट. रिकेट क्या? हड्डियों की बीमारी. सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स. हड्डियां जो होती हैं वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट, टेंडर और वीक होती जाती है. ठीक है, नाउ नोट इट डाउन. Completed. Okay. So class, आज के क्लास में हमने देखा obesity, malnutrition का revision किया, balanced diet को समझा with a picture. ठीक है, then we have talked about the deficiency diseases. Deficiency diseases के बारे में हमने बातें की. ठीक है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 4 diseases हैं, 4 deficiency diseases को हमने quote किया है. अभी आने वाले क्लासेस में वी विल टॉक अबाउट फ्यू मोर ऑफ देम. कुछ और डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में व्हाट वी विल डू, वी विल टॉक इन अवर कमिंग क्लासेस. अभी आने वाली क्लासेस में हम थोड़े और डिजीजेस के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे. ठीक है, सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे एंड मैम विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. नोट डाउन योर नोट्स फ्रॉम द वीडियोस और यू कैन नोट डाउन इट फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस, वी आर हैविंग अ ग्रेट डिस्कशन देयर. And fine class, so this is it for today. Ma'am, milte hain aap se abhi next class mein. Take a very good care of yourself. Wear a mask always, sanitize your hand. Okay? Chalo, bye-bye.